पुरुषों में सेक्स प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं और उसका इलाज क्या है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यंग एज में, मतलब नौजवान, जैसे 20 और 30 साल के बीच में यदि देखा जाए, स्टैटिस्टिकली अभ्यास किया जाए, तो 5 में से 2 लोगों को कुछ ना कुछ सेक्स प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। और मेनली वो साइकोलॉजिकल है, उसका कारण साइकोलॉजिकल होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, तो 45 साल के बाद में 3 या 4, 5 में से, मतलब 60-80% लोगों को सेक्स प्रॉब्लम्स कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। ये जो उम्र के हिसाब से जो सेक्स प्रॉब्लम आते रहते हैं, वो ज्यादा शारीरिक तौर पर कारण उसके होते हैं, और वो उसका कारण शारीरिक होता है। अभी देखिए, ये जो है उसका कारण क्या, एक तो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल हो सकता है, मतलब सेक्स हार्मोन जो है उसका कम होना बॉडी में। यूजुअली उसकी लेवल जो है वो है 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर पुरुषों में, और इससे 300 से यदि कम है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। फिर दूसरा कारण हो सकता है कि मेडिकल इश्यूज। मेडिकल इशू में है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना, थायराइड हार्मोन कम रहना, कम काम करना है, ज़्यादा काम करना, फिर डायबिटीज़, मधुमेह या शक्कर की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स या बहुत ज़्यादा फैट होना बॉडी के ऊपर, तो ये कारण ज़्यादातर मेडिकल इश्यूज़ के कारण होते हैं। नंबर 3 जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, स्ट्रेस, तनाव, डर, चिंता, डिप्रेशन, ये कारण होते हैं। नंबर 4 जो है कि कोई किसी तरह का यदि ब्लड के प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड थिन होना, पतला हो जाना या ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज होना और जिसकी वजह से फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम होना। 5 जो है वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यदि आपकी ऐसी है कि जिसमें आप कभी भी सोते हैं, मतलब सोने का ठिकाना नहीं, कभी खाने का ठिकाना नहीं है, काम के समय जो है वो एकदम ही इरेगुलर है, तो ये जो लाइफस्टाइल जो है जो अनप्रेडिक्टेबल है, बदलते रहती है, उसमें भी सेक्स प्रॉब्लम होते रहते हैं। नंबर 6 जो है वो है मास्टरबेटरी गिल्ट। मास्टरबेटरी गिल्ट मतलब बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया है उसके बारे में अपराधपन की भावना, अपराध बोध, या बहुत ज़्यादा वीर्य जा रहा है सपने में, या बहुत ज़्यादा पेशाब के पहले जा रहा है, तो वीर्य जाने से भाई ये ऐसा हो रहा है, ऐसा उनको लगना, ये कारण होता है मास्टरबेटरी गिल्ट या धात सिंड्रोम। और नंबर 7 होता है कि बैड हैबिट्स, और बैड हैबिट्स में ज़्यादातर आता है अल्कोहल, शराब या तंबाकू का सेवन। अब ये जो है ये कभी कुछ यदि किसी को होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको बोलते हैं भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो टेस्ट कर लो, लो टेस्टोस्टेरोन है क्या, यदि वो है तो फिर उसका इलाज करते हैं। दूसरा है डॉपलर टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें खून का सप्लाई पेनिस को हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसका इलाज चालू है क्या, वो गोलियों से भी होता है और हाई ब्लड प्रेशर से भी होता है। चौथा है कि शुगर टेस्ट कर लेते हैं, और 5वां है बाकी सभी ब्लड की जांच कर लेते हैं, सब तरह की जांच की, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ब्लड में है क्या, या ब्लड में सब नॉर्मल लेवल्स है। थायराइड लेवल भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये सब टेस्ट होने के बाद में फिर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर ये शारीरिक बीमारी है कि मानसिक है। शारीरिक बीमारी है तो शारीरिक बीमारी को उस तरह से उसका इलाज किया जाता है, मानसिक बीमारी है तो फिर एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, एंग्जियोलाइटिक, एंटी डिप्रेशंट्स ये दो, या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है तो काउंसलिंग करो, साइकोलॉजिकल है प्योरली तो हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी, CBT ये करते रहते हैं। दवाइयाँ जो है PDE5 इनहिबिटर्स, जैसे सिल्डेनाफिल, टाडानाफिल, वर्धानाफिल, एवेनाफिल, ये दवाइयाँ भी काम में आती रहती है। और मेडिसिन से यदि ये दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता है तो फिर पेपेवरिन का इंजेक्शन देते हैं पेनिस में, और उससे भी यदि फ़ायदा होता नहीं है तो पेनाइल इम्प्लांट्स भी डालते हैं। तो इस तरह का इलाज या जो पुरुषों में सेक्स प्रॉब्लम है इसका होते रहता है। इसमें आयुर्वेदिक दवाई भी कुछ काम करती रहती है। आयुर्वेदिक दवाई के बारे में या होम्योपैथी की दवाई के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर नीचे दिए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं, और आप काउंसलिंग से बिना दवाई का भी इलाज कर सकते हैं। यदि आपको समय नहीं है काउंसलिंग के लिए, नहीं भाई हमको दवाई दे दो, फटाफट इलाज करना है, तो एलोपैथी की दवाई यदि आप लेते हैं वो बेस्ट है, उसमें इलाज हो जाता है, प्रोवाइडेड दिमाग में इच्छा होना जरूरी है। दिमाग में इच्छा नहीं है, प्रेशर है, तनाव है,
लो डिज़ायर है, लो लिबिडो है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।